हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज मेरे भाई ने करेले की सब्ज़ी बनाई है, भरवा करेले की। तो ये देखिए, करेले छील के और इसके इसमें चीरा लगा के बीज का जो ये बीज वगैरह होते सब निकाल लिया था अलग प्लेट में, और उसमें नमक लगा के थोड़ी देर के लिए रख दिया था। उसके बाद इसको निचोड़ लिया, तो जो इनका छिलकों में करेल मतलब कड़वापन होता है वो निकल जाता है इस तरीके से। तो ये देखिए, सारा पानी निकल गया, अलग हो गया है। और मैंने यहाँ पे ये मसाला पीस के तैयार करके रख दिया है। तो इसमें लहसुन, प्याज और टमाटर और जो कच्ची हमें अभी छील के रखी थी वो सारी इसी में एक ही में मिला के पीस के तैयार कर दी। तो ये सारा मसाला जो है अभी भुना जाएगा, फिर भूनने के बाद फिर करेलों में भरा जाएगा। तो ये देखिए भाई जो है करेले यहाँ पे फ्राई कर रहा है। तो जब तक भाई ने करेले की सब्ज़ी बनाई, तो मैंने एक चूल्हे पे खीर बना के तैयार कर ली। तो आज हमारे घर पे डिनर में यही बनेगा, खीर और करेले की सब्ज़ी और रोटी खाएंगे हम लोग। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं भाई से बातें भी कर रही थी और भाई जो है करेले फ्राई कर रहा है। तो ये देखिए, अभी करेले फ्राई हो रहे हैं और ये मसाला जो प्याज लहसुन वाला था ये मतलब भुन रहा है तेल, मतलब डाला सरसों के तेल में। और ये छिलके वगैरह जो निकाल के अलग रखे थे वो भी डाल दिए, और डाला है यहाँ पे सूखा मसाला जिसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ी सी मिर्च पाउडर और सौंफ, जीरे का पाउडर। तो ये सारा मसाला डाल के अच्छे से मिला लेंगे। तो ये देखिए, मसाला मैंने कटोरी में निकाल के रख दिया था। तो भाई जो है मसाले डाल के तो ये मिला रहा है, और अब इसमें लास्ट में डालेगा नमक। और नमक डालने के बाद मसाला जो है चलाते हुए अच्छे से भूनना है जब तक कि इसमें तेल ना छोड़ दे। तो ये देखिए, इस तरीके से चलाते हुए मसाले भूनेंगे। तो ये देखिए, हमारा मसाला बनकर रेडी हो गया है और इसको प्लेट में निकाल लिया है। तो इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे, जब भी ठंडा हो जाएगा तो उनको करेले में भरेंगे। तो सारा कुछ मतलब जो करेले की सब्ज़ी बनाने का प्रोसेस होता है वो सारा कुछ भाई ने अपने आप किया था, बस मैंने खाली मसाले निकाल के रख दिए थे। तो ये देखिए, मसालों को अब ये भर रहा है करेलों में। तो इस तरीके से सारे करेले भर के रेडी कर लिए थे, और उसके बाद इसमें धागा मतलब लपेटा था। तो ये देखिए, मतलब इस तरीके से सारे करेले भर के रेडी कर लेगा, सारे करेले इसी तरीके से भर कर रेडी कर लेंगे। और भरने के बाद इसमें एक सफ़ेद रंग का धागा मतलब सारे करेले में लपेट के तैयार कर लिया था, ताकि जो मसाला भरा है इसके अंदर वो बाहर ना निकले। तो अब इनको फिर से फ्राई करना है। तो ये देखिए, हमारे करेले फ्राई होने के लिए रेडी हैं। तो ये फ्राई होने के बाद फिर इनको हम लोग खाएंगे। तो ये देखिए, फिर भरने के बाद तवे पे फ्राई किया, फिर ये देखिए हमारे करेले जो हैं फ्राई हो रहे हैं। तो इसी तरीके धीमी आंच पे, मतलब टाइम लगता है तभी ये करेले अच्छे से भुनते हैं। तो ये देखिए, धीमी धीमी आंच पे, और भुनने के बाद जो इसमें धागा लपेटा था वो निकाल देंगे, और क्योंकि मतलब खाएंगे तो धागा निकाल कर ही ना। तो ये देखिए, धागा सारे करेलों में जो धागा